महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊँवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुरानी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य पर। महिला स्वास्थ्य पर विशेष हम बात करेंगे, जो प्राचीन काल से एक विश्लेषण किया जा सकता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। प्रथम मैं आपको बताऊं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं महिला बाल स्वास्थ्य सेवा समिति अल्मोड़ा की एवं एसटीआई सलाहकार स्वास्थ्य विभाग अल्मोड़ा से स्वयं हेमलता भट्ट जी, जो समय समय पर हमें जानकारियां देती हैं और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हम उनसे जानना चाहेंगे महिला स्वास्थ्य को लेकर के प्राचीन समय व वर्तमान समय में महिलाओं के स्वास्थ्य में क्या अंतर दिखता है या समानता दिखती है, इस पर थोड़ा सा बताएंगे। नमस्कार गुरानी जी, कुमाऊँवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा पुनः एक बार नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान और महिला प्रधान है, तो परिवेश में कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है, स्वास्थ्य पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर सर्वप्रथम महिला स्वास्थ्य पर एक जानकारी, एक प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप सभी को अच्छा लगेगा। कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है, विशेषकर महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, वो काफी जटिल होता है। हमारे प्राचीन काल में हम ऋषि मुनियों के समय से की बात करते हैं, तो वैदिक काल में हमारी जो स्वास्थ्य पद्धति थी वो काफी अच्छी थी और आज वो पद्धति बढ़कर काफी विशाल रूप ले रही है। लेकिन जब प्राचीन समय में महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर कोई असर पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उसको वैदिक परंपराओं से या यज्ञोपैथी द्वारा उस इलाज को किया जाता था। हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा चलाई गई परंपराएं आज भी उसी रूप को धारण किए हैं, जो कि स्वास्थ्य पद्धति आगे चलकर मॉडर्न दवाइयों पर, मॉडर्न थेरेपियों पर आधारित हो गई है, जो स्वास्थ्य के ऊपर अपना प्रभाव बहुत अच्छा डालती है। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब हमारी महिलाएं बीमार हुआ करती थी, हमारी दादी, हमारे चाचा, ताऊ, चाचियां, भाभियां या हमारी बुआ, दीदी, जो भी हमारे परिवार के सदस्य होते थे, अगर वो किसी तरह से महिलाएं बीमार होती थी तो वो सभी हमारी बेसिक घर में जो दवाइयां मिलती थी, उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करके, उन्हीं पारंपरिक जो चीजें होती थी, उन्हीं पारंपरिक चीजों को इस्तेमाल करके अपने लिए बेसिक दवाई का इस्तेमाल करती थी। तो उन सारी चीजों में वो घरेलू जो किचन है हमारा, प्राचीन जो हमारी रसोई हुआ करती थी, वो हमारे खजाने के रूप में उसको इस्तेमाल किया करती थी। उसमें स्वास्थ्य के रूप में अगर हमारी कोई भी महिलाओं को किसी भी तरह की कोई बीमारी आ जाती थी, या तो उनको सर में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए, या महावारी के समय में अनियमित महावारी हो जाए या खून की कमी हो जाए, तो वो इसका घरेलू उपाय अपनी रसोई से निकालती थी। प्राचीन समय की जो सभ्यता थी, प्राचीन समय का जो घरेलू उपचार था, उसमें महिलाएं अपने किचन के सामान को अपनी दवाई के रूप में इस्तेमाल करती थी। हल्दी का इस्तेमाल वो चोट, अगर कोई गहरा घाव हो गया या किसी तरह का कोई जख्म हो गया या किसी तरह से रक्त ज्यादा बह रहा है, तो वो अपनी रसोई से ही हल्दी का इस्तेमाल करके, जो हमारी हल्दी आज हम देखते हैं कि हम बारीक पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्राचीन समय था
उस समय हमारे खेतों पर जो हल्दी होती थी, यदि हमारे शरीर पर कहीं पर भी उस समय कोई घाव या कोई दुखन या कोई बीमारी हो गई तो तुरंत ही जाके हमारी दादियां या हमारी मम्मी या हमारे जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो वो लोग खेत में जाके तुरंत एक जड़ हल्दी की निकाल के उस कच्ची हल्दी का सेवन लाके उसको अच्छी तरह सिलबट्टे में पीस कर, क्योंकि सभ्यताएं धीरे धीरे करके चेंज होती हैं, तो उस समय सिलबट्टे का इस्तेमाल करके वो कच्ची हल्दी को लेकर जब खेत से आती थी उसे लाने के बाद तुरंत ही धोकर उसे अच्छी तरह पोंछ के धोकर उसे सिलबट्टे पर पीस कर तुरंत ही उसका लेप बना के अपने लिए इस्तेमाल करती थी। जहां पर भी खुला हुआ घाव अगर हो गया तो ना उस खुले हुए घाव पर हल्दी का लेप, एक केले के पत्ते के ऊपर हल्दी को रख के उस घाव पर अगर हल्दी रख देती थी तो वो उनके स्वास्थ्य को सुधारने का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ करता था। तो हम देखते हैं अगर इसी क्रम में अगर उनको पेट का कोई दर्द होता था तो या अनियमित महावारी हुआ करती थी या किसी के शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी होती थी तो उस समय महिलाएं, अब उनको पेट में दर्द हो रहा है तो अजवाइन को एक पोटली में बांधकर गर्म पानी में उबालकर उसको उसके पानी को छानकर उसका सेवन करती थी और उससे हमारी जो महिलाएं उस समय दर्द से पीड़ित होती थी तो उस दर्द के समय में वो अजवाइन के पानी को पीकर और अजवाइन का जो बचा हुआ सत्व जो होता था, पोटली जो होती थी, उसको अपने नाभि पर रखकर उसको पेट पर सेक करती थी ताकि उनके पेट का दर्द नियमित रूप से कंट्रोल हो जाए और जो पानी जो बचा हुआ था होता था जौ का पानी उसका सेवन करके अपने पेट के दर्द को कम करती थी। जहां तक रक्त अल्पता की बात है, उस जमाने में रक्त की अल्पता का कोई भी कारण सामने नहीं आता था। वो इसलिए नहीं दिखता था क्योंकि उस समय का खान पान बहुत अच्छा था। हम देखते थे कि जो उस समय शुद्ध शाकाहारी खाना हुआ करता था, वैसे हम देखते हैं कि आज हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहा है। वो पाश्चात्य संस्कृति में हम खाने से लेकर हर किस्म की चीजों को अपना रहे हैं। सभ्यताओं का बदलना, क्रम बदलना वो बहुत जरूरी है, उन सभ्यताओं के साथ चलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर स्वास्थ्य की दृष्टि के साथ मैं एक स्वास्थ्य विभाग से होते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ, कभी भी स्वास्थ्य के लिए हमें किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, गलत समझौता नहीं करना चाहिए। गलत समझौता अगर आप करते हैं तो वो आप अपने भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, यही आशा करती हूँ कि हम अपने शरीर की देखभाल पहले करें। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है तो हजार किस्म की चीजें हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जैसे मैं बता रही थी कि रक्त अल्पता जब उस समय नहीं होती थी, अगर या किसी व्यक्ति को या किसी महिलाओं को विशेष का स्वास्थ्य से संबंधित खून की कमी हो जाती थी तो हमारी प्राचीन समय में हमारी दादियां कहा करती थी, अगर आपको खून की कमी है तो आप लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाएं जो कि एक आयरन का काम करती है। यदि आप लगातार भोजन कहें कढ़ाई में, लोहे के पके बर्तन में खाना खा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं 100% आपके शरीर में लोह तत्व की अधिकता बढ़ती है, साथ में रक्त अल्पता को लोह तत्व बढ़ाता है तो इससे हमारे शरीर में खून की मात्रा अधिक होती है। और साथ ही हम जो घरेलू फल होते हैं हमारे, जो हमारे किचन में भी वो फल सारे मिल जाते हैं समय के अनुरूप, तो यदि हम उन फलों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम बढ़ती है और हमारे उसमें रक्त की मात्रा का स्तर बढ़ते जाता है। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति थी, खुद अपना इलाज करना, अपना इलाज समय के हिसाब से करती थी। कहीं न कहीं सवाल के बीच में बहुत दूरी आ गई लेकिन जानकारियां बहुत जबरदस्त थी। तो दोस्तों लगता होगा कि आपको कि हम सवाल के बीच में सवाल नहीं कर पाए, और मैम ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं को होने वाले विशेष प्रकार की बीमारियों के बारे में आपका क्या कहना है। जैसे आपने बताया कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे महावारी आदि के बीच में आती है, ये बीमारियों के बारे में आप क्या सोचती हैं? महिलाओं को होने वाले विशेष प्रकार की बीमारियों के बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगी, जिसमें कि हम देखते हैं कि
अक्सर महिलाओं को पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में महिलाओं को के नाभि स्थल से नीचे वाले हिस्से में, पेडू वाले हिस्से में काफी दर्द होता है, जो कि विशेष रूप से हर महीने के समय में महिलाओं को होती है। ये प्राचीन समय से लेके आज तक का ऋषि मुनियों से के समय से लेकर अभी तक और आगे तक जब तक सृष्टि है तब तक महिलाओं के स्वास्थ्य पर इस तरह की बीमारी का असर हमेशा बना रहता है, जिससे कि हर महिला जूझती रहती है। तो महावारी के समय में इस तरह की अनियमितता होना या पेट में दर्द होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कि नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा एक महिला को स्वतः ही प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जब हमारा मासिक धर्म शुरू होता है वो 14 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र से जब से शुरू होता है, लगभग 45 साल या 50 साल की उम्र तक ये मासिक धर्म की प्रक्रिया चलती रहती है। जब मासिक धर्म की प्रक्रिया से कोई स्त्री या कोई लड़की गुजरती है तो उसके शरीर में बदलाव आना शुरू होने लग जाता है। जब ये बदलाव शुरू होता है तो कहीं ना कहीं उसके हार्मोनल सिस्टम चेंज होते हैं। जब ये सिस्टम चेंज होते हैं तो शरीर में बदलाव के साथ साथ उसके आंतरिक हिस्सों में भी बदलाव आना शुरू होने लग जाता है। उस समय एक लड़की जो मासिक धर्म के साथ बड़ी होती है, 14 साल से लेकर 18 साल के अंतर के बीच में जब उसके शारीरिक प्रक्रियाएं बदलती है तो यह समझा जाता है कि एक लड़की जिसको मासिक धर्म शुरू हो रहा है वो मातृत्व की ओर बढ़ने के लिए सक्षम हो गई है, यानी वो अपनी पारिवारिक जिंदगी या पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए सक्षम हो गई है। तो इस दौरान बच्ची हो या महिला हो, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो ये दर्द काफी असहनीय होता है। इस दर्द के समय में उल्टियां आनी शुरू हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी ज्यादा होती है, कभी कभी चक्कर आने लग जाता है, अत्यधिक पसीना आने लग जाता है। तो जब ये लक्षण स्टार्ट होते हैं तो इस समय बहुत असहनीय दर्द होता है और सामने वाले अपने दर्द को बयान नहीं कर पाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अमूमन बहुत कम महिलाओं को इस पीड़ा से गुजरना होता है और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इस मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरह से कोई भी शारीरिक परेशानी या कोई भी शारीरिक बदलाव नहीं होता है। अभी इस किस्म के कोई शारीरिक प्रक्रिया या शारीरिक बदलाव होते हैं तो हमें तुरंत ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसका उपचार अवश्य कराना चाहिए और समय के साथ इस बीमारी को कभी भी, इस तरह की प्रक्रिया को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह की कोई समस्याएं हो जिसमें पेट में दर्द, कमर में दर्द या किसी तरह की कोई बीमारी हो रही है तो आप उसका ध्यान रखिए और अपने सलाहकार से, अपने चिकित्सक से उसका उपचार अवश्य। जैसा आपने इसमें बहुत सारा कुछ बताया कि पेट में दर्द काफी हो जाता है, ये तमाम तकलीफें होती हैं महिलाओं के साथ। महसूस तो जरूर नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ना, एक गले में थोड़ा सा चावल का दाना थोड़ी देर के लिए फंस जाए तो बहुत दर्द होता है, ठीक उसी तरह हो सकता है। लेकिन मेरे बीच में समझ में एक चीज नहीं आई जो आपने बताया इतना कुछ, इसका मतलब क्या भारतीय जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हैं? मैम गुरानी जी, आपका जो सवाल है वो महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए क्या, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि प्राचीन सभ्यता हो चाहे मॉडर्न संस्कृति हो, कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। वो लापरवाही या तो महिलाएं ये कहें कि हमें समय नहीं है या किसी ज्ञान की कमी के कारण वो इस विषय पर बोलना नहीं चाहती हैं या अपने समय के हिसाब से उस विषय पर संकोच करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और एक सवाल जो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि समय के हिसाब से परिवेश, परिस्थितियां जो भी रही हो, व्यक्ति को चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घरेलू महिलाएं हो, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसे अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सजग होना चाहिए। वो इसलिए
अगर आप अपने परिवार के लिए सजग नहीं है तो अपने स्वास्थ्य के लिए आप सजग नहीं रह सकती हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपने परिवार की देखरेख कर सकती हैं। जहां पर हम देखते हैं अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए संकोच कर रहे हैं और अगर हम सोचते हैं कि आज हमने लापरवाही कर दी कि हम कल जाकर या परसों जाकर अपने स्वास्थ्य को दिखा लेंगे, लेकिन वो कल और वो परसों कभी नहीं आता है। यदि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो तुरंत ही जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो तुरंत ही आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपने स्वास्थ्य का इलाज अवश्य कराएं और हजार बीमारियों से आप पुनः सुरक्षित हो सकती हैं, अपने भविष्य को संवार सकती है, अपने स्वास्थ्य को संवार सकती हैं। और आशा करती हूं कि आप जो ये सवाल बन गया है कि महिलाएं क्या वास्तव में अपने शरीर के लिए लापरवाह हैं, तो इस सवाल को जड़ से उखाड़ देंगे, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सोच को, विचारों को परिपक्व करके आगे बढ़ेंगी। दोस्तों, आपने सुना महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम। मुझे तो लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हेमलता जी ने जितनी सारी बातें हमें बताई हैं उन पर हम गौर करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोहे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, खून की कमी होती है तो फल फूलों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो तमाम चीजें अपनानी चाहिए जो इस कार्यक्रम के तहत हम लोग बता रहे हैं। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि महिलाओं को, विशेषकर मुझे लगता है कि जब ऐसा दर्द होता है तो अपने सलाहकारों से बात करनी चाहिए, क्योंकि यह दर्द आपके लिए घातक हो सकता है। हेमलता जी ने बताया कि कहीं न कहीं जो आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ा कि नजरअंदाज तो नहीं करती, तो उन्होंने कहा ऐसा सवाल फिर न उठे। इसलिए हमारे समाज के हर महिला का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को भी अगर 13-14 में ऐसा तकलीफ दिख रही है उनकी जानकारी ले, उनके साथ बात करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। इसी के साथ धन्यवाद गुरानी जी, आपके विचारों का मैं सम्मान करती हूँ। साथ ही जो एक अच्छा मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है महिलाओं को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, तो ये आप लोगों का एक स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार, उत्तरांचल सरकार और समस्त विश्व, समस्त भारत जहां तक ये प्रोग्राम जाता है वहां तक के लोग इस प्रोग्राम को सुने, और इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे धर्म के लोग, चाहे हमारा विश्व है, हमारा जो पूरा राष्ट्र है, हमारा पूरा विश्व है, वो सारे लोग एक ही खून के बने हैं, एक ही सोच के बने हैं। तो सोच, उद्देश्य, व्यक्ति, वस्तु सब मिला के जो एक चीज मानव बना है, उस मानव श्रृंखला को जोड़ते हुए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम पर अपना अच्छा साथ दे, ताकि आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी सरकारी महत्मा, सारे लोग, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे एडिटर साहब, हमारे मुख्य रूप से इस समय मेरे सामने बैठे गोपाल गुरानी जी, जो कि एक कर्मठ व्यक्ति हैं और हमेशा जमीन से जुड़कर जिन्होंने हमारे महिलाओं के ऊपर इस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर जानकारियां हासिल करने का जो बीड़ा उठाया है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूं, उनका सम्मान करती हूं और आशा करती हूं कि इस तरह के प्रोग्राम हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाए रखने के लिए, हमारी महिलाओं का सम्मान करने के लिए आगे आते रहे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं इस माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे अगली कड़ी में फिर बात करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा। और दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के ही नहीं बल्कि कुमाऊं वाणी प्रयास करेगी हर क्षेत्र में। इसी के साथ दें इजाजत, नमस्कार। मिल गया था यही कोई मिल।